पत्थर को भूख नहीं लगती, शिवलिंग पर दूध चढ़ाना बंद करे हिंदू। ओवैसी। मुर्दे को ठंड नहीं लगती, मजारों पर चादर चढ़ाना बंद करे मुसलमान। योगी। अभी जो आपने लाइनें सुनी, ये वो लाइनें हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर एक चर्चा का सबसे बड़ा वजह बन गई है। क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कई वर्षों का इंतजार खत्म हुआ और रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजित हो गए। लेकिन जब से अयोध्या में राम मंदिर बनकर लगभग तैयार हो गया है, तब से सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक राजनीति में धर्म काफी अपना पैर पसार चुका है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई बार बयानबाजी आपने भी सुनी है। अब इसी सिलसिले में एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिस पोस्ट में योगी आदित्यनाथ और हैदराबादी भाईजान असरुद्दीन ओवैसी आपस में एक दूसरे के धर्म के विरोधी बयान दे रहे हैं। पोस्ट में लिखा हुआ है, पत्थर को भूख नहीं लगती, शिवलिंग पर दूध चढ़ाना बंद करे हिंदू। इसके आगे ओवैसी लिखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो उसके नीचे है, वहां पर लिखा हुआ है, मुर्दे को ठंड नहीं लगती, मजारों पर चादर चढ़ाना बंद करे मुसलमान। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से फैला, लेकिन इस पोस्ट की सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल जब इस मामले में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइजर से पूछा गया, तो उन्होंने इस बात का सरासर खंडन कर दिया कि हमारे मुख्यमंत्री ने ऐसे किसी भी भाषण का उपयोग किसी खास धर्म के खिलाफ नहीं किया है। वहीं इस बारे में असरुद्दीन ओवैसी से एक मीडिया संगठन ने सवाल किया, तो उन्होंने भी इस बात का सरासर खंडन किया कि ऐसे बयानबाजी नहीं हुई है। अब ऐसे में साफ हो जाता है कि ये पोस्ट सरासर गलत है और भ्रामक रूप से फैलाया जा रहा है। बता दें कि जब से राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण शुरू हुआ है, तब से सोशल मीडिया से लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बाजार गर्म हो गया है और धर्म की राजनीति शुरू हो गई है। कई ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो कि एक ऐसे मानसिकता को दर्शा रहे हैं कि राम मंदिर के बनने के बाद से कुछ समुदाय के लोग बौखला गए हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अब ये पोस्ट भी उसी सिलसिले में वायरल हुआ था, लेकिन इस पोस्ट की सच्चाई हमने जानी कि ये पूरी तरीके से फेक है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।